और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई में डांस बार एक बार फिर से खुलेंगे, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 11:30 बजे तक ही समय सीमा होगी इन डांस बार को खोलने की, सिर्फ 11:30 बजे तक ये ऑपरेट किए जा सकते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही हो सकता है, लेकिन 11:30 बजे तक की समय सीमा को फॉलो करना होगा। डांस बार में अब नहीं लगेंगे सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में कहा है। शर्तों के साथ डांस बार को खोलने पर मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुंबई से आ रही है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से डांस बार के एक बार फिर से अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि एक बार फिर से ये डांस बार खुल सकेंगे। ताजा आदेश के मुताबिक एक बार फिर से डांस बार चालू होंगे, लेकिन 11:30 बजे तक ही डांस बार को खोला जा सकता है। डांस बार में नोटों की बारिश पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। डांस बार 11:30 बजे तक ही खुले रहेंगे और इस मामले में पुराने नियम को बरकरार रखा गया है। बार के अंदर सीसीटीवी लगाने की पाबंदी, तो शर्तों के साथ डांस बार खोले जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा, कई लोग डांस बार पर आश्रित रहते हैं अपने रोजगार के लिए, ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है। डांस बार एक बार फिर से खुल सकेंगे और उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते। आज जजमेंट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो बैन हटाया था डांस बार्स पे, वो फिर से महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक रेगुलेशंस लाए थे, जिस पे हमारा कहना था कि ये रेगुलेशन वैसे है कि जो फिर से बैन लाते हैं, जबकि कहते हैं कि डांस बार अलाउड है पर वो रेगुलेशंस है। पर हमने बोला कई ऐसे रेगुलेशंस है जिनके हिसाब से बार चल नहीं पाएंगे, तो काफी सारे जो हमारे इस पे हमारे जो इस पे कहना था वो कोर्ट ने माना है। और काफी सारी ऐसी कंटेंशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, वो डांस बार 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए किसी रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। सो लड़कियों को जो डांस करती हैं उनको टिप नहीं दिया जा सकता, जहां पे डांस हो रहा है वहां पे अल्कोहल नहीं सर्व हो सकता। ये सब कंडीशंस कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कोर्ट ने बोला है कि अब 2005 से ये चला जा रहा है, अब होपफुली कि ये महाराष्ट्र सरकार अब लाइसेंस देगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को के हिसाब से। तो महाराष्ट्र सरकार अब लाइसेंस देगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, ये वकील वहां पर जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि जो पहले जितनी भी शर्तें थी उन शर्तों को, कुछ शर्तों को बरकरार रखा गया, हालांकि कुछ शर्तें अब लागू नहीं होंगी। 11:30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकेंगे, लेकिन तमाम नियम और शर्तों को इन डांस बार के मालिकों को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें लागू करना पड़ेगा, तभी उन्हें लाइसेंस मिल सकता है। डांस बार में टिप दे सकते हैं लेकिन नोट नहीं उछाल सकते हैं। पहले मनाही थी टिप देने पर भी और नोट उछालने पर भी, अब नोट उछालने पर पाबंदी है लेकिन टिप बार डांसर्स को दी जा सकती है। तो तमाम शर्तों के साथ अब डांस बार के भी एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला डांस बार को लेकर, हालांकि पहले भी कई बार डांस बार ओनर्स की तरफ से अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी के मद्देनजर कई ऐसी शर्तें हैं जो उनके हित में लागू की गई हैं। मयूरेश गणपति हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, जाहिर तौर पर ये डांस बार ओनर्स के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन कौन सी वो शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लागू की गई हैं जो डांस बार ओनर्स के हित में नहीं है और ना ही डांस गर्ल्स के हित में? देखिए, अगर हम डांस बार फिर से एक बार शुरू होने की बात करें तो जी हाँ, ये उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो डांस बार ओनर के हित में नहीं है वो ये है कि अभी डांस बार ओनर को जो परफॉर्मेंस है उनके साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यानी एक लिखित स्वरूप में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि इससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होता था वो सब कैश में होता था और जबानी ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि कितनी लड़कियां काम करेंगी, कितना उनका टाइमिंग रहेगा, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था, और अब ये एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए उन्होंने काम किया। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें कि डांस परफॉर्मर जो उनके लिए कौन सी बात अच्छी नहीं है, तो पहले डांस बार में हमने देखा है, कई सारे फिल्मों में भी हमने देखा है, कई सारे दृश्यों में देखा है कि डांस बार में लोग पैसा उड़ाते थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पैसे उड़ाने पे जो है वो बंदी ली है।
डांस बार ओनर की ओनर एसोसिएशन की तरफ से एक अच्छी बात यह है उनके लिए कि जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि सीसीटीवी मैंडेटरी होने चाहिए, यानी हर डांस बार में सीसीटीवी कंपलसरी होने चाहिए, उस शर्त को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कंपलसरी नहीं होने चाहिए वहां पे, क्योंकि इससे सीसीटीवी से जो है वो लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होती है, यानी लोगों का जो एक वहां पे लोग आते हैं उनकी प्राइवेसी वहां पे ब्रीच होती है। तो ये मिक्स ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो जिसमें कुछ अच्छे खबर डांस ओनर के लिए है, कुछ अच्छी खबर जो है वो बार बालाओं के लिए है। लेकिन जी हाँ, अगर मुंबई में डांस बार फिर से शुरू होने वाले हैं तो वो कई शर्तों के साथ शुरू होने वाले, क्योंकि समय रखा गया है रात के 11:30 बजे तक का ही। मयूरेश, क्योंकि मुंबई में काफी लंबे अरसे से डांस बार पर पाबंदी लगी हुई थी, ऐसे में जब ये खबर आई है वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है डांस बार ओनर्स में और डांस बार गर्ल्स में? जी, अगर हम कहें तो कई खुशी कई गम का माहौल है, क्योंकि डांस बार एसोसिएशन जो है वो बहुत ही आनंददायी है कि भाई फिर से एक बार डांस बार खुल सकते हैं, लेकिन जो शर्तें इन्होंने रखी है खास करके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की, उससे वो थोड़े जो है वो नाराज है, क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा और जो पहले एक्सप्लॉयटेशन होता था वो उन डांस लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।